हरे कृष्णा एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. टुडे आई विल टीच यू द 23rd चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस. ठीक है, ये जो एक्सरसाइज होती है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, एक आपको पैसेज दिया जाता है. पैसेज मीन्स इस तरह से आप देख रहे होंगे, जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज. ये इस तरह से एग्जाम में जब भी आता है तो इस तरह से एक पैसेज रहता है, एक पैराग्राफ टाइप रहता है. इसमें क्या होता है, हमको इस पैराग्राफ को पहले पूरा रीड करना होता है. ठीक है, इसको रीड किया, इसका मीनिंग समझा, ओके, और फिर उस मीनिंग को समझने के बाद उससे इसी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें कुछ दिए जाते हैं. अब क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, इसमें राइट रॉन्ग भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक भी आ सकते हैं. इस तरह से वन वर्ड में लिखने वाले इसमें क्वेश्चंस होते हैं और उसमें वन वर्ड में उनके आंसर्स लिखने होते हैं. ठीक है, तो उसमें हमारा मेन हमको क्या करना होता है कि हमको इस पैसेज को बहुत अच्छे से समझना होता है. और सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना नीचे, जो अभी मैंने बताया, वो क्वेश्चंस पूरे इसी पैसेज में से आते हैं. आपको आंसर इसी में से ही ढूंढना है, अपने मन से नहीं सोचना है. ठीक है, तो जब हम इसको, चलिए अब हम इसको रीड करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर होगा. ठीक है, चलिए रीड दिस स्टोरी. स्टोरी को पढ़ते हैं. मदर डक वॉक्ड बैक होम विद हर डकलिंग्स. मदर डक मीन्स मदर डक जो थी, मदर डक, डक मीन्स बतख. वॉक्ड बैक, वो वापस जा रही थी, बैक मीन्स वापस, होम मीन्स उसके घर जा रही थी, विद हर डकलिंग्स. डकलिंग्स मीन्स उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे, उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ. शी वॉज गोइंग बैक टू हर होम, ओके, टू इट्स होम. शी हैड टेकन सिक्स ऑफ देम टू अ पॉन्ड फॉर स्विम. वह ले गई थी सिक्स ऑफ देम, मतलब उसके छह बच्चे थे, जिनको वो कहाँ ले गई थी, एक पॉन्ड में, एक तालाब में ले गई थी स्विमिंग के लिए, उनको तैराने के लिए, उनको ऐसे सब तैरने के लिए एक पॉन्ड में गए थे, ओके. व्हेन शी रीच्ड बैक होम, जब वह रीच्ड मीन्स पहुंची, बैक होम घर वापस पहुंची, शी स्टार्टेड काउंटिंग देम, उसने उनको काउंट करना शुरू करा, अपने बच्चे जो थे उनको काउंट करना शुरू करा. वन टू थ्री फोर एंड फाइव, कितने थे यहाँ पर, फाइव ही है, बट वो कितने बच्चों को लेके गई थी, छह बच्चों को लेके गई थी. बट हियर आर ओनली, मतलब उसको तो खाली अपने घर में पांच बच्चे ही दिखे. ओ डियर सेड मदर डक, वेयर इज द सिक्स वन. तो वो उसको बिल्कुल ऐसे लगा, अरे सिक्स बेबी कहाँ पर है, वेयर इज द सिक्स वन. मदर डक वेंट टू लुक फॉर द लॉस्ट डकलिंग. सो मदर डक वेंट बैक मीन्स वापस गई टू लुक देखने के लिए फॉर द लॉस्ट डकलिंग. लॉस्ट मीन्स खोए हुए, जो डकलिंग उसका नहीं घर आया था, उसको देखने के लिए वापस गई वो पॉन्ड के पास में. शी लुक्ड बिहाइंड द बुशेस, उसने कहाँ कहाँ देखा. शी लुक्ड बिहाइंड द बुशेस, बिहाइंड मीन्स पीछे, बुशेस मीन्स झाड़ियाँ, झाड़ियों के पीछे देखा उसने. अंडर द ट्रीज मीन्स ट्रीज के नीचे देखा. एंड ओवर द फेंस, और ऐसे फेंस मीन्स ऐसे होती है ना फेंस, जो प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी गार्डन के चारों तरफ फेंसिंग की जाती है, उस वहां पर देखा. द लिटिल डकलिंग वॉज नो वेयर, वो लिटिल डकलिंग कहीं पर भी नहीं था. ठीक है, उसके बाद मदर डक वेंट टू द पॉन्ड. तो उसके बाद वो मदर डक जो थी वो पॉन्ड तालाब पर गई. स्प्लैश स्प्लैश, तो उसको क्या सुनाई दी, ऐसे पानी में जब हम ऐसे करते थे ऐसे स्प्लैश स्प्लैश, इस तरह की आवाज आती है ना. सो देयर वॉज द डकलिंग स्विमिंग एंड प्लेइंग इन द पॉन्ड विद द फ्रॉग्स. तो क्या देखा उसने, जब वो पॉन्ड तालाब के पास वापस गई तो उसने देखा, देयर वॉज द लिटिल डकलिंग, जो छोटा उसका लिटिल डकलिंग था, इट वॉज स्विमिंग एंड प्लेइंग इन द पॉन्ड विद द फ्रॉग्स. वो पॉन्ड में स्विम कर रहा था एंड खेल रहा था, किसके साथ में, फ्रॉग्स के साथ में, मेंढक के साथ में खेल रहा था. ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये देखिए. ये जब वापस आई, सो इन द पॉन्ड दिस इज लिटल इट्स डकलिंग एंड दिस दीज आर फ्रॉग्स. ठीक है, तो इस तरह से वो उसने वापस आकर क्या देखा कि उसके जो बेबी था वो पॉन्ड में स्विमिंग कर रहा था एंड फ्रॉग्स के साथ में वो खेल रहा था. ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट, हमने इस पैसेज में ये पढ़ा कि एक डक थी जो कि अपने सिक्स बेबीज को लेकर वहाँ गई थी और फिर उसका एक बेबी खो गया. सो शी वेंट बैक टू द पॉन्ड एंड देन शी सॉ एवरीवेयर बट शी डिडंट फाइंड हर बेबी. सो शी वेंट बैक टू द पॉन्ड एंड देन शी सॉ दैट उसका बेबी जो था वो पॉन्ड में फ्रॉग्स के साथ में खेल रहा था. इतना हमने पढ़ा है. अब इसमें क्या है, पूरे जितने भी क्वेश्चन इस पर पूछे जाएंगे वो सब इसमें से ही आएंगे क्वेश्चंस. ठीक है, आपको अपने मन से नहीं लिखना है उसमें कोई भी आंसर. ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें किस तरह से इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं. नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस. ठीक है, तो इस तरह से कभी भी जब आपको कोई अनसीन पैसेज इस तरह का क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले पैसेज पढ़ना है और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. व्हाट इज अ डक्स बेबी कॉल्ड. डक के बेबी को क्या बोलते हैं, हमने क्या पढ़ा अभी इसमें,
डक के बेबी को क्या बोलते हैं? डकलिंग। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर? डकलिंग। ओके, आपको ऐसे लिखा आएगा क्वेश्चन एग्जाम में कि आपको वन वर्ड में आंसर देना है और यू हैव टू राइट द होल आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर मैं वन वर्ड में ही हमको आंसर लिखना है, सो आई एम राइटिंग हियर इन वन वर्ड ओनली। ओके, ये आपको एग्जाम में बता दिया जाएगा कि आपको वन वर्ड में लिखना है या पूरा आपको आंसर लिखना है इसका। ठीक है, उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी उसकी। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी डकलिंग्स वेंट फॉर अ स्विम? स्विमिंग के लिए कितने डकलिंग गए थे? 6 डकलिंग्स गए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर डिड दे गो? वो कहाँ गए थे, कहाँ गए थे स्विमिंग के लिए? दे वेंट टू अ पॉन्ड फॉर स्विम, है ना। वो कहाँ गए थे? तालाब पर गए थे ना। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दे वेंट टू अ पॉन्ड। आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि अ पॉन्ड। ठीक है, अगर वन वर्ड में लिखना है सो यू कैन राइट अ पॉन्ड। ओके, उसके बाद हाउ मेनी डकलिंग्स केम बैक होम? कितने डकलिंग्स घर वापस आए थे? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? 5 डकलिंग्स। और वी कैन, इफ यू हैव, वी हैव टू राइट द होल आंसर, आंसर क्या होगा? 5 डकलिंग्स केम बैक होम। ठीक है, ओके। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन है, एट व्हाट 3 प्लेसेस डिड मदर डक लुक फॉर हर बेबी? कौन सी 3 प्लेसेस में मदर डक ने उसके बेबी को देखा था? कौन सी 3 प्लेसेस में देखा था? कहाँ पर देखा था उसने? बिहाइंड द बुशेस, अंडर द ट्रीज एंड ओवर द फेंस। यहाँ पर देखा था ना, इतनी जगहों पे देखा था ना उसने अपने बेबी को। सो ये भी देखिए, हमने सिर्फ पैसेज में से ही आंसर ले रहे हैं, हमको कहीं और से नहीं लिखना है। और स्टूडेंट्स, अभी जैसे मैंने बोला वन वर्ड में आंसर, सो वन वर्ड जरूरी नहीं है, मतलब हमको पूरा ये जो मेंशन करते हैं ना आंसर में कभी कभी कि शी लुक्ड फॉर हर बेबीज बिहाइंड द बुशेस अंडर द ट्रीज एंड ओवर द फेंस, मतलब इस तरह से नहीं लिख के आपको सिर्फ आंसर लिखना होगा उसका, सिर्फ मतलब जो मेन है कि जैसे अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन था कि वेयर डिड दे गो, कि वो कहाँ गए थे, सो दे वेंट टू अ पॉन्ड फॉर स्विम, ये पूरा आंसर हो गया। और इसका हम खाली छोटा सा आंसर क्या लिख सकते हैं? अ पॉन्ड, टू द पॉन्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 वर्ड्स हो गए, द एंड पॉन्ड आर 2 वर्ड्स। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि वन वर्ड, सो दीज आर नॉट वन वर्ड, द एंड पॉन्ड आर 2 वर्ड्स। सो इस तरह से भी आंसर लिखा जा सकता है, तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद 6th क्वेश्चन है, वेयर डिड शी फाइंड द बेबी? उसने अपने बेबी, उसको बेबी कहाँ मिला था अपना? इन द पॉन्ड। कहाँ मिला था वो? पॉन्ड में मिला था ना उसको 6th वाला बेबी अपना, इन द पॉन्ड। उसके बाद 7th क्वेश्चन, व्हाट वाज द बेबी डूइंग देयर? वो बेबी वहां पर क्या कर रहा था? इट वॉज स्विमिंग एंड प्लेइंग इन द पॉन्ड विथ फ्रॉग्स, विथ फ्रॉग्स, राइट। यही है ना, वो क्या कर रहा था? इट वॉज स्विमिंग एंड प्लेइंग इन द पॉन्ड विथ फ्रॉग्स। ये हमने पढ़ा ना अभी पैसेज में, तो इस तरह से हमने इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर इस वाले पैसेज में जैसे आया, सिर्फ क्वेश्चन आंसर। तो कभी कभी आपको पैसेज में राइट रॉन्ग ट्रू फॉल्स टिक द करेक्ट ऑप्शन इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये वाला पैसेज पढ़ा, इसको आपको समझ कर बुक में सॉल्व करना है। आज हम स्टूडेंट्स सिर्फ यही वाला पैसेज करेंगे, इसमें एक और पैसेज है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये वाला पैसेज समझ कर बुक में सॉल्व करके और मेरे को वर्क टाइम से सबमिट करिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।